देख सकते हैं हम इस वक्त नारियल के मेन रोड पे हैं। गैर नाले से हम अभी वहाँ से होके आए हैं और हम इस वक्त नारियल के मेन रोड मेन एरिया की तरफ जा रहे हैं। आप गैर की आबादी देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से ये जो सामने जो नज़ारा आ रहा है ये गैर नाला है। ये आप देखें, इधर देखें पहाड़ों के ऊपर भी बेहतरीन तरीके से दरख्त लगाए गए हैं। वहाँ पर अंगूर के अंगूर भी वाफर मकदार में लगाए गए हैं और इसी तरह मुख्तलिफ फलदार दरख्त भी हैं। देखिए इतना खूबसूरत जगह है, लेकिन इसको एक्सप्लोर करने के लिए हमें काफ़ी वक्त लगेगा और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप इस वक्त ग्याल के खूबसूरत मनाजिर देख सकते हैं। नाजरीन हम इस वक्त ग्याल नाले के शुरू की आबादी में मौजूद है। बड़े खूबसूरत जगह है, यहाँ के मकान आप देख सकते हैं वही पुराने रिवायात के बनाए गए मकानात हैं और अभी अभी जो है न्यू मकानात की तामीरात भी हो रही हैं। लेकिन बस बदकिस्मती ये है, देखें इस वक्त रोड की हाल ये है। यहाँ पर रमत खलीक साहब के घर भी हैं इस साथ में, मौजूदा है मैंने इस इलाके के, और हमारी सड़कों की हाल ये है आप देख सकते हैं। लेकिन इलाके की खूबसूरती देखें आप, खुद फैसला करें कि इसमें यहाँ पर सड़क बननी चाहिए कि नहीं। नाज़रीन हम इस वक्त गैर नाले में मौजूद हैं। आप इसके खूबसूरत मनाज़िर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं कि बेहतरीन बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों के लिए नमाज करने के लिए एक बहुत शानदार जगह बनाई गई है। एक छोटी सी पुल भी बनाई गई है और उसके साथ हुज़ूर के लिए इंतज़ाम का भी बराबर सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम किया गया है। यहाँ पर मुसाफिर जो है आकर आसानी के साथ नमाज पढ़ सकते हैं और इस इलाके से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। पानी देख सकते हैं, बहुत ही साफ शफाफ पानी यहाँ से एक बेहतरीन नाला जो है गुजरता है। ग्यार नाले के बीचों बीच है हम इस वक्त, आप इसके मनाज़िर देख सकते हैं।
खूबसूरती आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जाए तो टूरिस्ट यहाँ पर यहाँ का रुख करेंगे और यहाँ पर नौजवानों के लिए एक रोज़गार का एक बेहतरीन मौके फराहम हो सकते हैं। आप देखें इस वक्त कितना खूबसूरत मंज़र है।